क्यों तो पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की लाखों मूर्तियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान की किस मूर्ति को उनका पूरा प्रतिरूप माना जाता है? आइए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आपको उस मूर्ति के उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ठीक ऐसे ही दिखते थे जैसे कि ये मूर्ति है। जयपुर के कनक वृंदावन बाग में बसा ये है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जहां कृष्ण के तीन विग्रहों में से एक श्री गोविंद देव जी विराजमान हैं। लेकिन जयपुर में ये मंदिर कैसे बना, इसकी कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल पहले, जब औरंगजेब ने ब्रज पर हमला किया था। मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला से सन 1535 में मिली थी। कहते हैं इसके बाद आमेर के राजा मानसिंह ने वृंदावन में भव्य मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान गोविंद औरंगजेब के हमले से पहले करीब 80 साल विराजे। गोविंद देव जी मंदिर की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है इस वृंदावन का, क्योंकि इस स्थान पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने मंदिर बनवाए थे और भगवान के विग्रह को स्थापित किया था। ब्रज पर हुए हमले के वक्त महाराजा सवाई जय सिंह तब वृंदावन से मूर्ति लेकर जयपुर आए, जो पहले सूर्य महल में रखी गई, बाद में चंद्र महल में स्थानांतरित कर दी गई, और तभी से गोविंद जी जयपुर के इस महल नुमा मंदिर में विराजमान हैं। राजाओं को स्वप्न आदेश हुआ कि ये मेरा स्थान होगा, इसको रिक्त किया जाए, तो राजाओं ने इस जो आकेट स्थली खुला तिबारा बारादरी थी, इसको चारों तरफ से दीवार से बंद करके यहाँ पे ठाकुर श्री जी को विराजमान कराया। देव जी का मंदिर, ये मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मौजूद मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का ही प्रतिरूप है। कथाओं के मुताबिक मंदिर में मौजूद गोविंद देव की मूर्ति को खुद भगवान कृष्ण के पौत्र ने 5000 साल पहले अपनी दादी से पूछकर बनाया था। जब प्रतिमा तैयार हुई है उस प्रतिमा को लेकर मैया के समक्ष आए हैं और बड़े भाव से मैया की देखरेख में वो मूर्ति बनी, तो जो मूर्ति बनी है वो साक्षात मेरे कृष्ण की कन्हैया की वो प्रतिमूर्ति थी। जयपुर के परकोटा इलाके में सिटी पैलेस परिसर में मौजूद गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं। अपनी भव्यता और हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रतीक इस मंदिर को देखने दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। वृंदावन से विकास चंद्रा और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।